करवा देना। और साथ ही अगर आपने अभी तक स्कारफॉल 2.0 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट से जाओ कर लो। वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाओ। उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आपको फॉर्म फिल करना है एंड जब आपको गेम डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा तो कैसे डाउनलोड करना है, सारी डिटेल उसमें है एंड फॉर्म का लिंक भी उसी में दे रखा है। तो जाओ वीडियो देखो, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करो, फिर स्कारफॉल 2.0 के गेम का वेट करो। तो चलो फिर लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो चलते हैं अपने सेटिंग्स पे। अरे रुक जा भाई। चलो सेटिंग्स पे आ गए। तो यहाँ आपको दिख रहा है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है जनरली। अकाउंट्स मतलब आपका जो आपका गूगल प्ले गेम्स का जो अकाउंट है वही लिंक्ड है बस। और लॉग आउट आप यहाँ से मार सकते हो बट मारेंगे नहीं, क्यों तो मारना है वैसे। तो नेक्स्ट है आपका बेसिक। तो बेसिक में आपका पहले आ जाता है दो ऑप्शंस। सबसे पहले फायर सेटिंग में आता है आपके तीन चार सेटिंग्स हैं, कैटेगरीज बोल सकते हो। फायर सेटिंग होगी, उसके बाद हो गया कैमरा, FOV हो गया, क्रॉस शेयर, कलर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं शूटिंग मोड बोल रहे तो फायर सेटिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हो इसमें तीन देखने को मिलता है, शूटिंग मोड, एम असिस्ट और डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन। तो पहले शूटिंग मोड है, उसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक वन टैप ADS और हिप फायर। तो पहले बात करते हैं हिप फायर पे। तो हिप फायर क्या होता है बेसिकली? हिप फायर हुआ आपका बेसिकली जिसमें आपके जो स्कोप और फायर बटन है दोनों सेपरेट होते हैं एंड आपको साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ता है। लाइक जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसमें मैंने हिप फायर ही यूज़ किया है। इसमें मतलब जो मेरा स्कोप का बटन है वो राइट साइड में एंड जो फायर बटन है वो लेफ्ट साइड में। तो मेरे को अगर स्कोप करना है तो मैं स्कोप बटन दबाऊंगा एंड देन फायर करूंगा। तो ये हुआ हमारा हिप फायर। नेक्स्ट है हमारा वन टैप ADS। तो ये देखते हैं, इस पर टैप करते हैं एंड अब आप अगर आप देखोगे तो आपको जो मेरा लोड आउट दिख रहा है उसमें एक नया आइकन ऐड हो गया है, या बोलो तो एक नया आइकन आ चुका है। तो ये वाला है जो आपको एक मिक्सचर लगेगा, आपको इसमें स्कोप प्लस फायर दोनों को कंबाइन करके ये जो आइकन है वो दिया गया है। इस पर अगर आप यूज़ करोगे, टैप करोगे तो आपका स्कोप सबसे पहले स्कोप ऑन होगा एंड उसी बटन से आपका फायर भी होगा। मतलब स्कोप एंड फायर दोनों साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अभी आप हिप फायर ही यूज़ करो क्योंकि अभी ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है वन टैप ADS, क्योंकि मैं पहले यही यूज़ कर रहा था लेकिन इतना ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, सो दैट्स वाई मैं मूव कर दिया हूँ हिप फायर पे। तो चलते हैं नेक्स्ट जो कि है एम असिस्ट। तो ये तो सबको पता ही है, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको ऑन ही रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड है डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन, ये आपके ऊपर है, ऑलवेज ऑन रख सकते हो, स्कोप ऑन जब होता है तभी रख सकते हो या डिस्प्ले डिसेबल करके रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है क्योंकि मैं इसी से फायर करता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट जो कि है पीक। तो पीक से आप हर कोई वाकिफ होगा क्योंकि जो PGMI प्लेयर्स हैं उनको तो पता ही है। तो पीक एंड फायर तो वही है, एनेबल वैसे डिसेबल रहता है डिफॉल्ट में, एनेबल करोगे तो आप आराम से पीक कर सकते हो। और इसके अलावा पीक मोड, ये भी आप मोड में कर सकते हो, टैप में करना है, होल्ड पे करना है या मिक्स पे करना है। तो मैंने टैप पे रखा, मतलब टैप करूंगा तभी मैं मूव कर पाऊंगा, मतलब पीक कर सकता हूँ। अगर आप होल्ड पे रख दोगे तो आपको मतलब दबा के रखना पड़ेगा पीक का बटन, तब जाके आप पीक करोगे। और जैसे ही आप बटन से उंगली हटा दोगे तो आपका जो पीक है वो ऑफ हो जाएगा। होल्ड में ये सीन है, मिक्स दोनों का ही है, मिक्स में दोनों ही चीज़ें हैं, टैप के थ्रू भी हो जाएगा और होल्ड दबा के रखोगे तब भी हो जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद है पीक एंड स्कोप। तो वही पीक एंड स्कोप मतलब जब आप पीक कर रहे हो तो आप स्कोप का भी ऑन कर सकते हो, वो है। जैसे आप पीक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोप है वो ऑन हो जाएगा। सो मैंने ये ऑन रखा हुआ है ताकि मुझे खुद से ना करने के बजाय जब मैं पीक करूँ तो ऑटोमेटिकली जो स्कोप है वो ऑन हो जाए मेरा। और ये इसके बाद नेक्स्ट आता है क्विक स्कोप स्विच। तो ये डिफॉल्ट में आपका डिसेबल रहता है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये इसको ऑन करके रखो, बोले तो एनेबल करके रखो, क्योंकि मैं बताता हूँ। जैसे ये डिसेबल करके मैंने रख दिया तो अब आप देखो, अगर तो आप देख सकते हो इस क्लिप में कि यहाँ पे आपको राइट साइड में कोई भी आइकन नहीं दिख रहा है स्कोप करके, कोई भी आइकन दिख रहा है, स्कोप का आइकन दिख रहा है, उसके अलावा एक और आइकन दिखता है बट वो शो नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ मैंने एनेबल कर दिया तो अब आप अगर इस क्लिप में देखोगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ही एक छोटा सा आइकन दिखेगा एंड जब उस आइकन पर टैप करोगे तो आपके जितने भी आपके पास स्कोप होंगे वो आप यहीं से स्विच कर सकते हो। लाइक आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको बार बार बैग अपना ओपन करना है, उसके बाद स्कोप को पकड़ के इधर से उधर करना है,
मूव करना है वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये ऑन करके रख दिया क्विक स्कोप स्विच तो आपको फिर बैग अपने बार बार बैग पैक ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिकली जैसे आप इस पर टैप बटन पर टैप करोगे तो यहाँ पे सारे जितने भी स्कोप हैं, यहाँ पे 2x पड़ा है, रेड डॉट पड़ा है, 6x पड़ा है, 8x पड़ा है, सारे के सारे दिख जाएंगे, वहीं पे शो हो जाएंगे। बस आपको उस पर टैप करना है एंड वो आपके जो गन होगी उस पर अटैच हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग मैं बोल सकता हूँ, तो आप इसको रिकमेंडेड है कि आप इसको एनेबल करके रखो। नेक्स्ट है कैमरा रोटेशन व्हाइल लीनिंग, तो ये जनरली डिसेबल रहता है बट आप एनेबल कर सकते हो, लीन करते हुए जो आपका कैमरा है वो रोटेट करे, वो हुआ। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैमरा FOV, तो ये एक नई सेटिंग बोल सकते हो आप, बोले तो FOV TPP। तो अगर आप इसको मैं जीरो कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, हो जाए जीरो, हो गया, तो जीरो कर दिया मैंने, 80 पे कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे, या बोले तो जीरो पे कर दिया जो भी है इसका वो, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ इस क्लिप में आप देखो तो आपको थोड़ा पास वाला लुक लिखेगा, लुक पास वाला है। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 90 कर दिया, अब आप देखो तो थोड़ा सा आपको टैबलेट लुक दिखेगा। हाँ मेरा टैबलेट ही है बट आपको भी थोड़ा सा टैबलेट लुक शो करेगा, तो ये इसका एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस एयर कलर, तो ये क्रॉस एयर डिफॉल्ट में आपका ब्लैक या फिर वाइट रहता है, आप क्रॉस एयर के चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हर जितने भी स्कोप है, आप पे रेड डॉट है, चाहे आपका होलो साइट है, 2x है, 3x है, 4x है, 6x है, 8x है, सब में मैंने येलो कर रखा है, तो आप चेंज कर सकते हो इसका कलर। जैसे मैं दिखा देता हूँ ये किया, तो यहाँ पे जो क्रॉस एयर है वो पिंक हो गया, ये देख सकते हो। इसके अलावा ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ये लाइट ब्लू हो गया, ये ग्रीनिश हो गया, ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, ये वाइट हो गया। तो मैं येलो करके रखा हूँ तो येलो ही करके रख सकते हैं। ये सारे ही स्कोप में आप कर सकते हो ये फंक्शन अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स, जो कि है डैमेज इफेक्ट। तो इसमें बहुत बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डैमेज इफेक्ट से वो ये समझते हैं कि जब मतलब हम जब बंदों को डैमेज देंगे तो उनका कलर वो चीज शो होगी, बट ऐसा नहीं है, ये नहीं है एक्चुअली में। जब जैसे मान लो मैंने ग्रीन कर दिया, या रेड कर सकते हो, येलो कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, या पिंकिश कर सकते हो, पिंकी है आई थिंक, हाँ पिंकिश है, तो मैंने ये ब्लूइश कर रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जब बंदे को डैमेज देंगे तो उसका कलर ये शो होगा, नहीं, बल्कि हमारा कलर ये शो होगा जब हमको बंदा डैमेज देगा, तो ये हमारा डैमेज शो करता है, हमारे डैमेज का कलर है ये, ना कि बंदे के डैमेज का। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने ब्लू रखा है तो आप भी अपने हिसाब से रखो जो आपको सही लगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कंट्रोल्स में, तो ये है हमारी मेन सेटिंग्स। तो पहले मैं आपको दिखाया था अपनी UID, तो आप ये देख सकते हो इस टाइप का कुछ कंट्रोल है। आई नो कि थोड़ा मैसअप है बट क्या करें, तो इस टाइप से कुछ है, आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो, फोर फिंगर है तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बट ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है गेम प्ले कंट्रोल, तो ये गेम प्ले कंट्रोल से पहले आता है आपका जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट। तो ये डिफॉल्ट में वैसे डिसेबल रहता है बट अगर आप एनेबल कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, ऑटो स्प्रिंट जो है आपका वो होता रहेगा इससे। इसके अलावा फिक्स जॉयस्टिक है, मतलब ये डिसेबल करके रखा है मैंने, आपका भी डिसेबल ही होगा डिफॉल्ट में। फिक्स्ड जॉयस्टिक इन द सेंस कि जॉयस्टिक अगर आप इसको डिसेबल करके रखोगे तो आपका जब भी जहाँ पे भी आप जॉयस्टिक की तरफ मूव करोगे, मतलब जहाँ पे भी अपने खुद से मूव करवा सकते हो अपने जॉयस्टिक को, जहाँ भी आप टैप करोगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, वहाँ वहाँ आपका जॉयस्टिक मूव करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको एनेबल कर दोगे तो मतलब आपका जॉयस्टिक एक जगह फिक्स हो जाएगा, तो जहाँ आप प्लेस करोगे वहीं पे आपका जॉयस्टिक प्लेस होके फिक्स्ड हो जाएगा, फिर आप इसको मूव नहीं कर सकते इधर उधर। तो ये है कि आपके ऊपर आप एनेबल रखते हो कि डिसेबल, मैंने डिसेबल करके रखा है। नेक्स्ट है हाइट प्रॉन बटन, तो प्रॉन बटन आपको पता है, प्रॉन बटन इन द सेंस जो लेटने वाला होता है जिसमें रेंगते हैं हम, वो वाला। तो अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो आपका जो प्रॉन बटन है वो शो नहीं होगा, बल्कि आपको जो आपका क्राउच वाला बटन है उसी को आपको डबल टैप करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो करेक्टर है वो प्रॉन करेगा, मतलब लेटेगा। अगर इसको एनेबल करके रखोगे तो आपका अलग से जो प्रॉन बटन है वो शो होगा। नेक्स्ट आपका स्कोप मोड, तो स्कोप मोड में आपको तीन देखने को मिल रहे हैं, टैप होल्ड मिक्स्ड। मोड का मतलब है स्कोप पे जब टैप किया आपका स्कोप जो है ओपन हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद दोबारा टैप करोगे तो आपका स्कोप बंद हो जाएगा, मतलब जब आप टैप करोगे एक बार में टैप करोगे तो आपका स्कोप ऑन होगा, एंड उसके बाद दोबारा टैप करोगे तब स्कोप आपका बंद होगा। अगर होल्ड की बात करें तो होल्ड में अगर आप रखते हो उसको, स्कोप है वो आपका ओपन होगा, लेकिन अगर आपने फिंगर हटा ली तो आपका जो स्कोप है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, मतलब आपको होल्ड से ही पता लग रहा है कि आपको स्कोप को दबा के रखना पड़ेगा, मतलब टैप करके रखना पड़ेगा तभी आपका स्कोप ओपन रहेगा, अदरवाइज अगर आप हाथ हटा लोगे तो आपका क्लोज ऑटोमेटिकली आपका स्कोप जो है क्लोज हो जाएगा। थर्ड है आपका मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या सीन है, मिक्स्ड में आपको दोनों जाता है, मतलब अगर आप दोनों चीज़ मिक्सचर है दोनों का। नेक्स्ट आता है स्लाइड,
तो ये तो आप यूज ही करते होंगे। इसमें भी तीन है, एनेबल, डिसेबल और सेपरेट। तो इसका क्या है, डिसेबल अगर आप रखोगे इसको तो डिसेबल आप स्लाइड नहीं कर पाओगे, एनेबल कर दोगे तो आप आराम से स्लाइड कर पाओगे, लेकिन अगर आप सेपरेट पे कर दोगे तो एक सेपरेट स्लाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कैमरा रोटेशन व्हाइल ADS। तो ये ऑप्शन तभी है जब आप ADS का यूज़ कर रहे हो, वन टैप ADS, लेकिन क्योंकि मैं यूज़ कर नहीं रहा हूँ तो मैंने इसलिए डिसेबल करके रखा है। अगर आप यूज़ करोगे तो इसको एनेबल कर देना। इसके बाद आया ऑटोमार्क हिट लोकेशन, तो ये एनेबल करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। सिंपल ये होता है कि जैसे कोई किसी भी आपके टीममेट ने भी किसी को किसी एनिमी पे फायर किया तो वहाँ पे एक ऑटोमार्क आ जाएगा कि भाई बंदा वहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट पिकअप पे। तो पिकअप पे आप देख सकते हो ये है पिकअप कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो पिकअप। तो ऑटो पिकअप मैंने एनेबल कर रखा है, आप भी एनेबल करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको मतलब बार बार हर चीज़ पिक नहीं करने की ज़रूरत है। ऑटो पिकअप ऑन जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली कैरेक्टर पिक कर लेगा, ये तो आपको खैर पता ही होगा। इसके बाद है स्टॉप ऑटो पिक व्हेन लिस्ट इज कोलैप्स्ड, मतलब अगर आपका लिस्ट जो है कोलैप्स्ड हो गई, या बोले तो आपका जो बैकपैक है वो फुल हो गया, तो जो ऑटो पिक है वो अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब पिक नहीं करेगा। तो जब आपका बैकपैक ही भर गया तो कैसे पिक करेगा भाई। ऑटो पिकअप पिस्टल्स, तो पिस्टल्स को ऑटो पिक करना है तो अगर आप चाहते हो पिस्टल वगैरह यूज करना तो एनेबल करके रख सकते हो, अदरवाइज खुद से ही मतलब वैसे ही उठा सकते हो। इसके बाद आता है ऑटो पिक स्कोप, ऑटो पिकअप स्कोप। तो ये भी आप एनेबल करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, कि जब भी आपको स्कोप दिखेगा जोन सभी लेवल का, या जोन सभी 2x हो गया, रेड डॉट हो गया, हॉलो हो गया, वो सब ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, उठा लेगा। नेक्स्ट आता है मैग पिकअप प्रायोरिटी। तो मैग मतलब आपकी मैगजीन की जो पिकअप प्रायोरिटी है वो कौन सी है, एक्सटेंडेड है आपको चाहिए, क्विक ड्रॉ चाहिए या डिफॉल्ट चाहिए। तो मैंने वैसे डिफॉल्ट रखा है। एक्सटेंडेड मतलब होता है कि भाई जो आपकी कैपेसिटी होती है आपके मैगजीन की वो बढ़ जाती है, और क्विक ड्रॉ मतलब जल्दी से फटाफट रिलोड होता है वो मतलब हो। तो मैंने वैसे डिफॉल्ट में रखा है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जिस जो भी रख सकते हो। एमओ ऑटो पिक अप लिमिट, मतलब अब एमओ की बात है, एमओज में आप AR, स्नाइपर, SMG, MG, SG और पिस्टल, इनमें से कोई भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। मतलब आप जोन सी गन यूज़ करते हो उसको फुल कर दो, और जो बाकी की गन से उनको जो आप यूज़ नहीं करते हो उनको डाउन कर दो, ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने सोल बॉम्ब मैं यूज़ नहीं करता तो मैंने बंद कर दी, इमोर्टल मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, AR फ्यूरी मैं यूज़ नहीं करता तो मैंने इसको भी बंद कर दिया। इससे ये रहेगा कि जब भी आपको ये एमओज मिल जाएंगी इन गन्स की तो आप एकदम से फटाफट से उड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है अगर स्नाइपर में, तो सेम आप कर सकते हो, स्नाइपर में भी कर सकते हो। इसके बाद SMG में भी सेम डिप कर सकते हो, मशीन गन में भी कर सकते हो, शॉट गन में भी कर सकते हो, पिस्टल में भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमेबल ऑटो पिकअप लिमिट। कंज्यूमेबल मतलब आपके जो, जैसे आप देख सकते हो बैंडेज, मेडिकेट, ये सब मैंने फुल कर रखी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए फुल करके रखता हूँ। एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग भी फुल करके ही रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको हील करने की जरूरत होगी। ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जितने भी आप मेडिकेट होगी, आपकी सिरिंज होगी, सब प्रोबेबल ऑटो पिकअप। प्रोबेबल इन द सेंस जो आप फेंकते हो, जैसे आपका नेड हो गया, आपका मॉली हो गया, स्टिकी बॉम्ब हो गया, स्मोक ग्रेनेड हो गया, स्टन ग्रेनेड हो गया, अपने हिसाब से रख सकते हो। साथ ही आपका स्कोप ऑटो पिकअप, तो स्कोप में आप रख सकते हो, आपको हॉलो चाहिए तो आप वन पे रख सकते हो, रेड डॉट पे, ये भी वही है कि आप ऑटो पिकअप रखना चाहते हो स्कोप पे तो कितना कितना चाहिए, एक ही की भाई, एक ही यूज़ करता है बंदा, तो सारे ही मैंने वन वन पे रखे हुए, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब आती है मेन सेटिंग जो कि है सेंसिटिविटी। तो ये मेरी नॉर्मल सेंसिटिविटी है, क्योंकि मैं जायरो प्लेयर नहीं हूँ तो मैं नॉन जायरो हूँ, तो मैंने वही रखा है लेंस वाला। तो जैसा आप देख सकते हो कैमरा सेंसिटिविटी, TPP नो स्कोप मेरा 127 पे है, नो स्कोप ADS मैंने 65 पे है, रेड डॉट मैंने 61 रखा है, 2x स्कोप मैंने 30 रखा हुआ है, 3x स्कोप 30 रखा है, 4x 30 रखा है, 6x 25, 8x 20। तो ये सारी सेटिंग्स आप हो तो कर सकते हो। ये कैमरा सेंसिटिविटी है बाय द वे। आती है ADS सेंसिटिविटी, अगर आप ADS ऑन यू करोगे, वन टैप ADS, तब आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा इस तरह से, एंड ये अलग से आपको सेट करनी पड़ेगी, बट मैं क्योंकि यूज़ करना बंद कर चुका हूँ तो मैं डिसेबल कर दूंगा। इसके अलावा आता है आपका कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक में, TPP कैमरा कैरेक्टर व्हीकल, मतलब वो जो आई बटन आपको देखने को मिलता है जो रोटेशन वाला 360 वाला, वो आएगा, तो 400 मैंने पूरा कर रखा है। उसके बाद पैराशूटिंग का भी मैंने 400 ही कर रखा है, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स में आप देख सकते हो ग्राफिक क्वालिटी, ग्राफिक को मैं हाई पे रखता हूँ या फिर मीडियम पे रखता हूँ, एंड फ्रेम रेट को मैं हाई पे रखता हूँ और या फिर अल्ट्रा पे या एक्सट्रीम पे भी रख सकते हो, तो अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप एवरेज पे रखो आपकी ग्राफिक क्वालिटी को, एंड फ्रेम रेट को आप हाई पे रख सकते हो अगर आपका लो एंड डिवाइस है, स्पेशली 2GB 3GB। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑडियो वाला, ये है कि जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है गेम का वो मैंने ऑफ करके रखा है, अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। ये सारी थी पूरी सेटिंग्स का हमारा गेम की, जितने भी सेटिंग्स थे, आई होप आपको पूरी सेंसिटिविटी सेटिंग मतलब पूरी सेटिंग्स
एक्सप्लेन कर दिए मैंने एंड आपको समझ आ गया होगा। और यार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि कारफॉर 2.0 से रिलेटेड कोई भी न्यूज कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। एंड यार 2K होने वाले हैं तो फटाफट से 2K सब्सक्राइब करवा दो न्यू ईयर से पहले। आज के लिए न्यू वीडियो के साथ टेल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट योर फैंटास्टिक एंड आई एम शुभ फैंटास्टिक।